दोस्तों, अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है और रोग बीमारियों से दूर रहना है, तो सबसे पहले आपको बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, चाट पकौड़ी, ये सब खाना आपको बिल्कुल बंद करना होगा। इसके साथ ही चीनी से बनी चीज़ें खाना बिल्कुल से बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीठा मत खाइए, मीठा खाइए, लेकिन जो चीज़ मीठी भी हो और हेल्दी भी हो उसे खाइए। जी हाँ, आज मैं आपसे एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे खाना हम लोग शायद भूल चुके हैं, और वो है गुड़, जिसे हम अंग्रेजी में जैगरी भी बोलते हैं। दोस्तों, स्वाद में गुड़ मीठा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, सेहत के लिए ये बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। गुड़ खाने से हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, क्योंकि गुड़ हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, जिससे हमारे आंतें सही तरीके से काम करने लगती हैं। जिन लोगों को कब्ज है, उन्हें गुड़ कैसे खाना चाहिए ये समझ लीजिए। रात का खाना खाने के बाद 50 ग्राम गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे सुबह पेट पूरी तरीके से साफ होगा। आप चाहे तो 50 ग्राम गुड़ के साथ एक गिलास गर्म दूध भी पी सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा कब्ज की परेशानी है, उन लोगों को रात का खाना खाने के बाद दूध के साथ गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे पेट सुबह पूरी तरीके से साफ होता है। गुड़ हमारे लीवर में मौजूद विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, जिससे हमारे लीवर की सफाई भी होती है। हमारा लीवर जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है, यानी कि हमारे जब लीवर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा लीवर भी अच्छी तरीके से काम करने लगता है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, उनके लिए गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि गुड़ शरीर में आयरन बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। गुड़ खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गुड़ कैसे खाना है ये भी समझिए। सुबह उठने के बाद खाली पेट आपको गुड़ खाना चाहिए, इससे खून बढ़ेगा। शरीर को जो भी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वो आपको सुबह ही सुबह मिल जाएंगे। इससे शरीर सारा दिन एनर्जेटिक बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि गुड़ की मात्रा 50 ग्राम से ज्यादा ना रहे। गुड़ से खून भी साफ होता है। 50 ग्राम की मात्रा में अगर आप गुड़ का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करेंगे, तो हमारे शरीर को ये स्वस्थ बनाए रखेगा, क्योंकि गुड़ खून साफ करता है। इसके वजह से चेहरे पे कील, मुहासे, फोड़े और फुंसी नहीं होते हैं। सर्दी जुखाम होने पर गुड़ का सेवन कैसे करना चाहिए ये समझिए। एक ग्लास पानी में 50 ग्राम गुड़ डाल करके इस पानी को 5 मिनट तक उबालिए। इसमें आप चाहे तो 2-3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे पी लीजिए। इससे सर्दी जुखाम खांसी में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, शरीर में कैल्शियम कम हो गया है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में थकान लगती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, उन्हें रोजाना सुबह खाली पेट गुड़ खाना चाहिए। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। शरीर में कैल्शियम की कमी गुड़ बहुत ही तेजी से पूरा करता है, हड्डियां मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह के वक्त 50 ग्राम गुड़ खा के ऊपर से गर्म पानी जरूर पीजिए। गुड़ में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स जैसे कि जिंक और सेलेनियम बहुत ही ज्यादा होते हैं। जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जोड़ों का दर्द सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। कैसे करना है ये समझिए। सुबह के वक्त आपको खाली पेट गुड़ खाना चाहिए, ऊपर से गर्म पानी पीना है। रात का खाना खाने के बाद भी आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए और ऊपर से दूध या फिर गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको शुगर की समस्या है वो ऐसा ना करें, यानी कि उन्हें गुड़ नहीं खाना है। दोस्तों, गुड़ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि शरीर को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। इससे शरीर हमेशा जवान दिखता है। गुड़ खाने वालों के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि जो लोग रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं, उन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। बहुत सारे रिसर्च में ये बात प्रूव हो चुकी है। गुड़ को जब हम तिल के साथ खाते हैं, तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, हड्डियों और जोड़ों का दर्द दूर होता है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ा है, कम दिखाई देता है, उन्हें भी सुबह उठकर खाली पेट
50 ग्राम गुड़ खा के एक गिलास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिन लोगों का हार्ट कमजोर है, हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, उन्हें भी गुड़ का सेवन रोजाना सुबह और शाम दोनों टाइम जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ही तेजी से कम होता है। जिनका वजन अधिक बढ़ा हुआ है, उन्हें भी गुड़ का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट करना चाहिए। इससे वजन भी तेजी से कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि 15 से 20 दिन तक आपको ऐसा जरूर करना है। 15 से 20 दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। मोटापा कम करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल बेहद ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे कि आस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस, जो कि सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट गुड़ जरूर खाएं। रात का खाना खाने के बाद भी आपको 50 ग्राम गुड़ जरूर खाना चाहिए। अगर किसी वजह से गला बैठ जाए, आवाज भारी हो जाए, तो पके हुए चावल में गुड़ मिला करके खाइए। इससे गला खुल जाता है, गले का भारीपन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना गुड़ खाने के कुछ बहुत ही बेहतरीन फायदों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।